Hello everyone, welcome to the platform of JK Civil Services. I am Razia and our topic for today is number series. Number series जो है हमारे reasoning part का ये एक important topic है. कैसे number series में जब भी reasoning का part होता है हमारे exam का तो उसमें अच्छे खासे questions पूछे जाते हैं इस part से. नंबर सीरीज़ में और क्या होता है, हम सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसी टॉपिक में फेस करते हैं. ऐसा क्यों होता है, हमें आ रही होती है लेकिन उतनी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना होने की वजह से हम ज्यूरिंग एग्ज़ाम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं. अब एक नंबर सीरीज़ होती क्या है, एक नंबर सीरीज़ नंबर्स का एक सीक्वेंस होता है, राइट. ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो हाँ लेफ्ट राइट लिखा जाता है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ कि एक सर्टन पैटर्न फॉलो करता है. हर किसी सीरीज में एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होगा. क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होगा, या तो कोई नंबर प्रीवियस नंबर में ऐड हो रहा होगा, या तो डिवाइड हो रहा होगा, या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, डिफरेंट टाइप्स है. इसी पैटर्न के बेसिस पे आज हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे नंबर सीरीज के, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. हम जो हमारा पहला टाइप है वो है एडिशन सीरीज, ठीक है. एडिशन सीरीज का मतलब क्या होता है, जब भी किसी भी सीरीज में आप देखेंगे कि आपको कोई नंबर ऐड करना पड़ रहा है, कोई पैटर्न ऐसा फॉलो हो रहा है जिसमें एडिशन ऑफ नंबर्स हो रहा है, तो उसको हम एडिशन सीरीज कहते हैं, ठीक है. व्हेन अ नंबर सीरीज इज ऑब्टेंड बाय एडिंग ए स्पेसिफिक नंबर, यानी कि आप किसी फिक्स्ड नंबर को ऐड कर रहे हैं तभी आपको सीरीज का नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है, तो उसको हम एडिशन सीरीज कहते हैं. लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना होगा कि आप एडिशन करेंगे कहाँ पे, आपको कैसे पता चल रहा है कि एडिशन ही हो रहा है, कोई और प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही है, कोई और मेथड यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा. सी, अगर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस दो नंबर्स के बीच का या दो सक्सेसिव नंबर्स के बीच का, दो एडजेसेंट कंसेक्यूटिव नंबर्स है जो भी एडजेसेंट नंबर्स होंगे उनके बीच का डिस्टेंस अगर विजिबली लो होगा, उसका मतलब क्या होगा कि विजिबली लो होगा, आपको दिखने में लगेगा कि हाँ नंबर्स तो पास पास है. फॉर एग्जांपल आप इस एग्जांपल में देख लीजिए, 5, 10, 15, 20 इस नंबर को हमें प्रेडिक्ट करना है एंड 30, ऑल राइट. तो आपको लग रहा है कि हाँ 5, 10, 15, ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे 5 फिर 35, 45, नहीं इतना जंप नहीं हो रहा है, सिर्फ 5, 10, 15 ऐसे है, तो आपको लगना चाहिए कि विजिबली पास पास ही, हाँ दिख तो रहा है कि पास पास ही है, तो इसका मतलब या तो एडिशन हो रहा होगा या तो सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, ठीक है. लेकिन अभी हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो हम एडिशन के बारे में ही पढ़ेंगे. यहाँ पे आप देखिए एडिशन, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे. जो हमारी यहाँ पे पहली एग्जाम्पल है, आप देखिए 5, 10, 15, 20 दिस नंबर हमें कैलकुलेट करना है एंड 30, राइट. आप देखिए यहाँ पे 5 में प्लस 5 हो रहा है तो हमारा आंसर आ रहा है 10, 10 में प्लस 5 हो रहा है तो 15 आ रहा है नेक्स्ट नंबर, 15 में प्लस 5 हो रहा है तो नेक्स्ट नंबर 20 आ रहा है. अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लस 5 का पैटर्न यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ओके. यानी कि हर सक्सेसिव टर्म में हम क्या कर रहे हैं, प्लस 5 का एडिशन कर रहे हैं, 5 नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं और हमें हमारा नेक्स्ट नंबर मिल रहा है. तो इसका मतलब जो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है दैट्स द एडिशन ऑफ 5 नंबर्स. आपको समझ आ गया कि हाँ दिस इज़ द केस ऑफ एडिशन सीरीज, राइट. तो इसका मतलब इस 20 में भी हमें 5 ही ऐड करना होगा जिससे हमें हमारा आंसर निकलेगा, ठीक है. इसका मतलब 20 में हम प्लस 5 कर लेंगे और हमारा आंसर यहाँ पे 25 आ जाएगा. हमने यहाँ तक तो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है. अब क्या जो हमारा हमने आंसर कैलकुलेट किया क्या ये सही है, इसको पता लगने के लिए, यानी कि जब हम यहाँ से यहाँ जंप करेंगे तो भी प्लस 5 ही ऐड हो रहा होना चाहिए. चलिए देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टी सही है. जी बिल्कुल, 25 में प्लस 5 ऐड हो रहा है और हमें यहाँ पे 30 आ रहा है. इसका मतलब वी हैव बीन करेक्ट, हमारा जो प्रोसेस है इसको करने का, हमारा जो मेथड है वो सही है. दिस इज द केस ऑफ एडिशन सीरीज और यहाँ पे एडिशन ही हो रहा है नंबर्स का. तो अब हम क्या करते हैं, दूसरी एग्जांपल से इसको और समझने की कोशिश करते हैं. देखिए हमारी जो दूसरी सीरीज है यहाँ पे, पहले तो 6 है, फिर जो नंबर है वो हमें निकालना है, फिर 21 है, फिर 33 है, फिर 48 है. अब देखिए यहाँ पे
जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको जो नंबर आपको निकालना है, आंसर जो आपको निकालना है वो पहले पहले आ रहा हो, लाइक यहाँ पे आ रहा हो या कभी यहाँ पे एंड पे आ रहा हो, तो आपको क्या करना है, जो इसके लेफ्ट का है अभी हम उसको इग्नोर करेंगे, अभी हम इन तीन नंबर्स पे जाएंगे जहाँ पे जो कंटिन्यूअस नंबर्स वहाँ पे दिए हुए और हमें इससे हमारा पैटर्न प्रेडिक्ट होगा, तो हम इन नंबर्स पे भी फोकस करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम अपना पैटर्न निकालने की कोशिश करेंगे। आप देखिए 21 जब 33 तक जा रहा है तो कितना ऐड हो रहा है, प्लस 12 हो रहा है यहाँ पे, राइट। 33 से जब हम 15 की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा प्लस 15 ऐड हो रहा है, सही है। लेकिन हम इससे अपना पैटर्न कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्लस 12 हो रहा है प्लस 15 हो रहा है, यानी कि हमें इन दोनों के बीच में भी कोई पैटर्न फाइंड करना होगा जिससे हम यहाँ पे का नंबर जो इसमें ऐड हो रहा होगा वो प्रिडिक्ट कर सके, राइट। तो आप देखिए 12 से जब हम 15 पर जा रहे हैं तो हमें प्लस 3 हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब जो इन दोनों के बीच की डिफरेंस होगी उसमें भी प्लस 3 ही ऐड हुआ होगा, यानी कि 12 से जब हम बैकवर्ड्स जाएंगे तो इन दोनों के बीच का भी 3 ही डिफरेंस होगा, या इस नंबर में भी 3 ही ऐड हुआ होगा तो ये वाली डिफरेंस आई होगी, राइट। तो इसमें जो प्लस 3 अगर हम करेंगे इसका मतलब यहाँ पे 9 ऐड हुआ होना चाहिए तभी जाके 21 आंसर आया होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। सी, मैंने आपसे ये कहा कि इस नंबर को आप अभी इग्नोर करेंगे, राइट। अभी हम इन तीन नंबर से अपनी सीरीज को जानने की कोशिश करेंगे। हम जब 21 टू 33 यहाँ पे जा रहे हैं तो हमारा प्लस 12 हो रहा है, हम 33 टू 48 जा रहे हैं तो हमारा प्लस 15 हो रहा है, ऑल राइट। तो ये जब अब इन दोनों के बीच का हम पैटर्न कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता चलो आगे इधर 12 ऐड हो रहा है, इधर 15 ऐड हो रहा है, तो इधर कितना ऐड हुआ होगा, उसको जानने के लिए हम इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस निकालेंगे, या इसमें देखेंगे 12 में कितना ऐड हुआ है जो 15 यहाँ पे डिफरेंस आई है, ठीक है। 12 से 15 जाने के लिए हम यहाँ पे प्लस 3 का एडिशन करें। ऐसी जब कोई सीरीज होती है ना तो इसको डबल डिफरेंस बुलाते हैं हम। कभी कभी हमें ऐसे भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे करते और क्या बोलते हैं इसको, राइट। आप देखिए प्लस 12 में प्लस 3 ऐड हुआ, यानी कि ये जो प्लस 12 है, ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच की, ये भी तभी आई होगी जब यहाँ पे किसी ऐसे नंबर में प्लस 3 हुआ होगा और फिर ये वाली हमें डिफरेंस मिली होगी, यानी कि अगर हम 12 में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, यानी कि इस वाले नंबर में प्लस 9 ऐड हुआ होगा तो हमें 21 मिला हुआ होगा, राइट। तो हम देखते हैं वो कौन सा नंबर होगा, यानी 21 में अगर 9 माइनस करेंगे तो हाँ इट विल बी 12। इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा 12 होगा। चलिए देखते हैं क्या सही में 12 ही हमारा आंसर है। अब हम इसके लेफ्ट की तरफ जाएंगे, राइट। इस वाले नंबर पे हम अपना फोकस डालेंगे। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे भी प्लस 3 ऐड हुआ होगा तभी हमें ये वाली डिफरेंस मिलेगी, राइट। तो प्लस इसका मतलब 9 में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यानी कि 6 से आप देखिए 6 से में 3 ऐड हो रहा है तो 9 वाली डिफरेंस मिल रही है, 9 में 3 ऐड हो रहा है तो 12 वाली डिफरेंस मिल रही है, 12 में 3 ऐड हो रहा है तो 15 वाली डिफरेंस मिल रही है, और 6 में जब 6 ऐड हो रहा है तो 12 हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, फिर 12 में जब 9 ऐड हो रहा है तो 21 हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब वी हैव बीन गेसिंग दी पैटर्न, राइट। और हाँ, आप कब स्टॉप करेंगे, अब क्या पता इधर भी हमें एक क्लियर पैटर्न ना मिले, ये एक फिक्स्ड नंबर ना मिले जो ऐड हो रहा हो, तो हमें इसके बाद भी कंटिन्यू करते रहना होगा जब तक एक फिक्स्ड पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, आपको तब तक उन नंबर्स का डिफरेंस या तब तक उनको ऐड करते रहना होगा जब तक आपको एक फिक्स्ड पैटर्न ना मिले, ठीक है। तो अभी हमने हमारी आगे वाली एग्जांपल की तरफ जाते हैं। ये भी डिफरेंस बेस्ड, डबल डिफरेंस बेस्ड ही है ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ आ जाए। देखिए हमारी जो नेक्स्ट इन सीरीज है दैट्स 15, फिर है 21, 32, 48, 69 एंड दिस नंबर को हमें कैलकुलेट करना है। आप अगर देखेंगे जब हम 15 से 21 की तरफ जा रहे हैं तो प्लस 6 हो रहा है, 21 से 32 की तरफ जा रहे हैं तो प्लस 11 हो रहा है, 32 से 48 की ओर जा रहे हैं तो प्लस 16 हो रहा है, राइट। और 48 से जब हम 69 की तरफ जा रहे हैं तो प्लस हमारा 21 हो रहा है, ओके। अगर आप ऐसे देखेंगे विजिबली तो आपको लगेगा नहीं कि कोई पैटर्न यूजुअली फॉलो हो रहा है, इसका मतलब अभी हमारा कोई पैटर्न कैलकुलेट हुआ नहीं, तो हम इनकी डिफरेंस इनमें कोई सीरीज ढूंढने की ट्राई करेंगे, राइट। अगर आप देखेंगे प्लस 6 से प्लस 11 में जाएंगे तो
सिक्स से इलेवन में जाएंगे तो फाइव ऐड हो रहा होगा, इलेवन टू सिक्सटीन फाइव ऐड हो रहा है, सिक्सटीन टू ट्वेंटी वन फाइव ऐड हो रहा है. इसका मतलब वी हैव डिकोडेड द पैटर्न. हमारा जो पैटर्न यहाँ पे है दैट्स द एडिशन ऑफ फाइव नंबर्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ द सीरीज. ओके, तो हम इसका मतलब इस 21 में भी फाइव ऐड होगा और हमें हमारी इन नंबर्स की डिफरेंस पता चलेगी. यानी 26 विल यहाँ पे ऐड हो जाएगा 69 में और वही हमारा आंसर निकलेगा. जब हम 69 में 26 ऐड करेंगे तो 95 विल बी आवर आंसर. जितने भी मैं आपको एग्जांपल्स यहाँ पे करा रही हूँ, आपको जाकर इन एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना है प्रॉपरली, प्रॉपर वे में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ. और ट्रस्ट मी, यू विल बी गुड टू गो. आपको अच्छे से ये एग्जांपल्स फिर आ जाएंगी. ठीक है, अभी हम कंसेप्ट समझने की कोशिश करें, आगे हम और भी क्वेश्चंस को करेंगे जिससे आपका ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट एडिशन सीरीज. अब जो हमारा दूसरा टाइप है सीरीज का, दैट इज सब्ट्रैक्शन सीरीज. ठीक है, अब क्या है ये सब्ट्रैक्शन सीरीज? जैसा मैंने आपको ऊपर बताया एडिशन सीरीज के बारे में, वैसी ही सब्ट्रैक्शन सीरीज है. वहां पे एक नंबर ऐड हो रहा था और यहाँ पे एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, आप देखिए, ऑब्टेनड बाय सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर फ्रॉम द प्रीवियस टर्म. अब एडिशन कहाँ पे होगा, सब्ट्रैक्शन कहाँ पे होगा? ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि आपको विजिबली नंबर्स के बीच का डिफरेंस लो लगेगा एंड ऑल नंबर्स क्लोज क्लोज लगेंगे, लेकिन एडिशन कहाँ करना है और सब्ट्रैक्शन कहाँ पे करना है? ठीक है, ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, आई विल टेल यू. डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब भी कोई सीरीज आपको नजर आएगी, आप समझ लीजिएगा कि डिफरेंस हो रहा है. क्या मतलब है इससे? आप देखिए, 180, इसके बाद नंबर डिक्रीज हो रहा है 150, उसके बाद नंबर डिक्रीज हो रहा है 120, फिर और डिक्रीज होके 60 आ रहा है यहाँ पे. इसका मतलब, हाँ, दिखने में तो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये नंबर्स है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, राइट? अगर आप एडिशन वाले केस में देखेंगे तो आप देखेंगे कि सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है यहाँ पे. 5, 10, 15, 20, हाँ, सक्सेसिवली नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं. तो आपको यहाँ पे एडिशन मेथड लगाना है और यहाँ पे नंबर्स डिक्रीज हो रहे होंगे विद सक्सेसिव टर्म्स, तो आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लगाना है. और हाँ, वो जो प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बताई कि नंबर्स के बीच का डिफरेंस विजिबली लो होगा, तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है, राइट? तो आप देखिए, अब हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे. 180 टू 150 हम जब जा रहे हैं तो -30 हो रहा है. 150 टू 120 फिर -30 हो रहा है. ओके, एक पैटर्न तो मिल गया. अभी हम इन नंबर्स को इग्नोर करेंगे, राइट? ठीक है, -30 पैटर्न मिल गया. इसका मतलब यहाँ पे भी -30 ही हो रहा होगा, तो हमारा जो आंसर होगा 90 होगा. अब क्या ये आंसर सही है? क्या ये 90 का आंसर सही है? इसका मतलब ये तब सही होगा जब इसमें भी हम -30 करके हमारी ये वाली टर्म हमें डिराइव होगी. 90 - 30 करते हैं तो 60 हमारा आंसर मिलता है. इसका मतलब वी हैव गेस्ट अवर पैटर्न राइट एंड वी हैव यूज्ड द राइट मेथड. ऑल राइट, तो अब इसमें हमारी जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसको करते हैं. अभी 125, 80, 45 इस नंबर को हमें निकालना है एंड 5. यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखेंगे, 125 टू 80 जब हम लोग जा रहे हैं तो इसमें कुछ तो सब्ट्रैक्शन हो रही है. अब कितना हो रही है वो पता करते हैं. 125 माइनस 80 आई थिंक इट्स 45, हाँ, -45 हो रहा है. फिर 80 टू 45 जा रहे हैं तो -35 हो रहा है. ओके, 45, 35 इस नंबर को अभी इग्नोर किया जाएगा, राइट? 45 टू 35, अब क्या पैटर्न फॉलो हो रहा होगा यहाँ पे? 45, 35 तो डिफरेंट नंबर्स आ गए, एक फिक्स्ड नंबर तो अभी आया नहीं हमारा. अब इसको निकालने के लिए हम इनमें कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे, राइट? जब 45 टू 35 हम जा रहे हैं, आप देखेंगे -10 हो रहा है, राइट? ये भी डबल डिफरेंस का ही केस है. ठीक है, आप देखेंगे -10 हो रहा है यहाँ पे, तो हमें ये मिल रहा है. तो ठीक है, इसी -10 को हम आगे ले जाते हैं और आगे का देखते हैं क्या हो रहा है. -10 जब हम 35 में कर रहे हैं तो 25 आ रहा है. चलिए देखते हैं क्या इससे हमारा आंसर आ रहा है. अब क्या -10 का ही पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे? 45 में जब हम अपना -25 करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 20 होगा. ठीक है, ठीक है, अभी हम वेट करते हैं कि हमारा सही है या नहीं, देखते हैं. अभी 20 में यहाँ पे इस -25 में और -10 होके जो यहाँ पे डिफरेंस आ रही होगी वो कितनी होगी? 15 होगी, राइट? यानी कि इस 20 में -15 हो रहा होगा और जो हमारा आंसर मिल रहा होगा 5.
बिल्कुल, वी आर टोटली राइट, और हमने हमारे पैटर्न को सही से गेस किया हुआ और हमारा आंसर ठीक निकला है। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट दी सब्ट्रैक्शन सीरीज। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है सीरीज में, वो है मल्टीप्लिकेशन सीरीज। अब जैसा मैंने आपको पहले कहा कि एडिशन कहाँ पे करना है, सब्ट्रैक्शन कहाँ पे करना है, ऐसा कोई तो हमें लैंडमार्क होगा ना, कोई तो ऐसा कोई ऐसी गेस होगी या कोई ऐसा तरीका होगा जिससे हम ये जान पाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे हम अपना मल्टीप्लिकेशन सीरीज वाला कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। देखिए, अगर नंबर्स सीम टू बी इंक्रीजिंग रैपिडली, अगर अब आपको लग रहा है कि हाँ नंबर डबल हो रहा है, नंबर ट्रिपल हो रहा है, ठीक है, तो आप वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब यानी कि आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस नंबर को किसी एक फिक्स्ड नंबर से, यानी कि वही पैटर्न होगा हमारा टू गेट दी आंसर। मैं फिर से रिपीट करूंगी कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज कहाँ हम यूज़ करेंगे, हम ऐड क्यों नहीं करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि नंबर्स विजिबली बहुत ज़्यादा जंप कर रहा है, नंबर्स के आपस का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए 72, कुछ यहाँ पे ऐसा हुआ है, और इसके बाद सीधा 5760। सो दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे इतना जंप कर गया है, और वो कैसे होता है हम जानते हैं, मल्टीप्लीकेशन से, एडिशन से इतना नहीं होगा, राइट? तो मल्टीप्लीकेशन की वजह से ही यहाँ पे हमारा इतना बढ़ के आंसर आया, इतना बड़ा नंबर आया है हमें यहाँ पे, राइट? तो अभी हम इस वाली टाइप को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, ओके? तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, वो है 1.5, देन इट्स 1.5, देन इट्स 3, 12, 72, ये वाले नंबर को हमें कैलकुलेट करना है, एंड 5760। हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो हम चलिए ट्राई करते हैं मल्टीप्लाई करने के। अब आप देखिए, 1.5 इंटू 2 जब होगा तो वो 3 आएगा, राइट? 1.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा आंसर 3 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12। 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारा आंसर आएगा 72। अब हम डबल डिफरेंस का कंसेप्ट तो समझ गए हैं, हम जानते हैं कि हमें एक फिक्स्ड पैटर्न जहाँ पे डिराइव होगा वहीं पे रुक जाना है हमने। तभी ही जब हमें एक कॉमन डिफरेंस मिलेगा, एक कॉमन पैटर्न मिलेगा, तभी हम अपना आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट? तो आप देखिए यहाँ पे 2 × 4 × 6 हो रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो नंबर निकालना है उसके लेफ्ट और राइट में जो भी होगा, वी हैव टू इग्नोर दैट। अभी हम इस टर्म को यहाँ पे इग्नोर करेंगे, अभी हम यहाँ पे एक पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 2, 4, 6 क्या हो रहा होगा यहाँ पे? आप देखिए, 2 में 2 ऐड हो रहा है, 4 में 2 ऐड हो रहा है, ठीक है, हमें एक पैटर्न मिल गया, यानी कि एडिशन ऑफ 2 नंबर्स हो रहा है, तभी जाके ये टर्म आ रही है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर डिराइव कर सकते हैं, राइट? तो इसका मतलब इस 6 में भी 2 ऐड हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, 8 आंसर आएगा यहाँ पे। तो 8 यानी कि इस 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 72 से तो हमारा आंसर डेराइव हो जाएगा। 72 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 576 आता है, राइट? तो क्या अभी हमारा आंसर राइट है, करेक्ट है, क्या हमने बिल्कुल सही किया, वो हम करेंगे, ठीक है? 8 को भी, 8 में भी प्लस 2 ही हो रहा होगा, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 10। यानी कि 576 में जब हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 576 आना चाहिए। क्या आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब वी हैव प्रेडिक्टेड दी सीरीज, राइट? हमने हमारा आंसर सही प्रेडिक्ट किया है, हमने पैटर्न को सही प्रेडिक्ट किया है। चलिए दूसरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि 6, 3, 3, 6, ओके, ऐसा है यहाँ पे 3, 3 है। आप देखेंगे ना, जब भी आपको सक्सेसिव टर्म्स सेम मिलेंगी, आपको लगेगा कि ये जो दो टर्म्स है बैक टू बैक टर्म्स सेम है, आप समझ लीजिएगा इंटू 1 हो रहा है। वेन एवर, जब भी ऐसा कोई आप देखेंगे बैक टू बैक नंबर्स सिमिलर हैं, सेम हैं, तो वहाँ पे हमेशा इंटू 1 हो रहा होगा। तो ठीक है, अगर यहाँ पे इंटू 1 हो रहा है तो इससे पहले क्या हो रहा होगा? तो आप देखिए, 6 से जब हम 3 की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल आधा हो रहा है नंबर, 6 एंड 3, 6 का हाफ 3 है। इसका मतलब इसमें जो मल्टीप्लाई हुआ होगा दैट विल बी 0.5, राइट? 0.5 मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 3 आएगा, 3 में 1 मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही आएगा, फिर 3 में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा, ओके? 0.5, 1,
टू क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, अभी हमें हमारा एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं डेराइव हुआ है, ठीक है, हम हमारा डबल वाला केस जो है वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। 0.5102 में एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम अगर देखेंगे 0.5 × 2 1 होता है, 1 × 2 2 होता है, ऑलराइट, एक पैटर्न हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, हमारा हमें पैटर्न मिल चुका है, इसका मतलब इंटू टू करके हमें यहाँ की डिफरेंस मिल रही है, या हमें वो नंबर मिल रहा है जो हम नंबर में ऐड करके अपना आंसर डिराइव करेंगे, ऑलराइट। तो इंटू टू यानी कि इस टू में भी टू ही मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4 आंसर आएगा, यानी कि 6 में जब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारी ये वाली टर्म डिराइव होगी, 6 × 4 = 24, राइट, यानी कि यहाँ पे जो आंसर है दैट्स 24। ओके, क्या अब ये 24 वाला आंसर सही है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। 4 अभी देखिए 2 में मल्टीप्लाई 2 करके 4 में रहा है, 4 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे हम, ठीक है, दैट विल बी 4 × 2 = 8, यानी कि 24 में हमें 8 मल्टीप्लाई करना होगा और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा सही सही 192, ठीक है। इन एग्जांपल्स को आप अपने एंड पे भी प्रैक्टिस करेंगे एंड अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ध्यान लगा के, एंड यू विल बी गुड टू गो, आपको फिर कुछ और करने की, कुछ और पैटर्न सीखने की ज़रूरत नहीं होगी, इन्हीं पैटर्न्स का कुछ इंटरमिंगल होगा, कहीं पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों का एक साथ यूज हो जाएगा, कहीं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक साथ यूज़ हो जाएगा, कहीं पे स्क्वायर्स का एंड दूसरे किसी प्रॉपर्टी का एक साथ यूज़ हो जाएगा, कहीं पे एडिशन प्राइम नंबर्स का एक साथ यूज़ हो जाएगा, तो बस ऐसी है, आपको उससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नया पैटर्न सीखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, मैंने आपसे पहले भी कहा कि पेन एंड पेपर हैज़ टू बी योर बेस्ट फ्रेंड स्टूडेंट्स, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली जो मैं पढ़ाऊंगी आपको, और आप अपने एंड पे भी जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप कीजिए, इट्स नेवर सफिशिएंट, इट्स नेवर इनफ, आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आपकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आप एग्जाम में क्विकली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है सीरीज का वो है डिवीजन सीरीज, ठीक है। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन सीरीज पढ़ा वैसे हमें डिवीजन सीरीज भी पढ़ना है। डिवीजन सीरीज, मल्टीप्लिकेशन सीरीज अगेन विल बी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिवीजन सीरीज अगेन विल बी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसे आपको पता चलेगा कहाँ पे हमें डिवीजन करना है, जब आपकी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी और सडनली डिक्रीज कर रही होगी, ठीक है, बिल्कुल आधा हो रहा है, बिल्कुल 1/3 हो रहा है, बिल्कुल 1/4 हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे अच्छा डिवीजन का केस हो सकता है। तो जब सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी आप अपने प्रीवियस नंबर को डिवाइड करेंगे किसी फिक्स्ड नंबर से और वो फिक्स्ड नंबर आपको फाइंड आउट करना होगा, वो पैटर्न आपको फाइंड आउट करना होगा, कहीं पे डबल डिफरेंस करके भी होगा, तब तक करते रहना होगा जब तक वो फिक्स्ड नंबर, वो फिक्स्ड पैटर्न आपको ना फाइंड आउट हो, राइट। तो चलिए हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। आप देखिए हमारी जो पहली एग्जांपल है यहाँ पे, इट्स 16, देन इट्स 8, देन इट्स 4, इस वाले नंबर को हमें कैलकुलेट करना है एंड देन इट्स 1। आप देखेंगे विजिबली आपको लगेगा कि हाँ 16 है फिर सीधा 8 है, मतलब कि बिल्कुल ना डिवाइड ही हो रहा है इसका, तो पता चल, मतलब दिखने में ही पता चल जाएगा आपको कि आधा आधा हो रहा है, हाँ ठीक है, मतलब डिवाइड ही हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी सीरीज, राइट। तो अगर ऐसा होता 16 फिर 32 दिया होता, राइट, यहाँ पे 32 होता तो आपको सीधे पता चल जाता अच्छा शायद 16 × 2 शायद मल्टीप्लाई है, डबल हो रहा है सीधा ये, तो वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लगेगा, राइट, वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लगेगा, और जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा अगेन बता रही हूं मैं तो डिवीजन होगा। प्लीज आप इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिए, प्लीज प्रॉपरली गौर से सुनिए ताकि आपको इन चीजों में आगे जाके डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े, राइट। तो मैं यहां पे इस वाली सीरीज को करने की कोशिश करती हूँ, आप देख ही सकते हैं यहां पे 16 में डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है तो 8 मिल रहा है, 8 में डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है तो 4 मिल रहा है, ओके, हमें हमारा पैटर्न तो यहां पे मिल ही गया, राइट। तो हम ऐसे ही करने के आगे इसको कुछ करेंगे कि डिवाइड बाय 2 मिल रहा है तो हमारी सीरीज आगे चल रही है, इसका मतलब 4 में भी डिवाइड 2 हुआ होगा तो हमें हमारा आंसर मिला हुआ होगा, 2 यहाँ पे हमारा आंसर होगा। तो ठीक है, आगे इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्या वाकई यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या हमारा वाकई 2 ही आंसर है, तो इसका मतलब इस 2 में भी जब हम डिवाइड 2 से ही करेंगे, इसी पैटर्न से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए, एग्जैक्टली, तो हमारा आंसर 1 आ चुका है, इसका मतलब जो हमारा तरीका है इसको करने का दैट हैज बीन करेक्ट, सही था, ठीक है। तो आगे वाली एग्जांपल पे चलते हैं। 19, 30 फिर ये वाला नंबर हमें निकालना है एंड 3.33, ठीक है। देखिए 90 में हम जब डिवाइड 3 करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से,
तो हमें 30 मिल रहा है। 30 में जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 मिल रहा है ना हमें यहाँ पे, तो ओके 3 ही डिवाइड हो रहा होगा। चले 3 ही लगा के देखते हैं, क्योंकि अभी ये बिल्कुल बीच का नंबर है तो हमें इससे आगे कुछ यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, तो हम 3 ही डिवाइड करके देखते हैं क्या हमारा आंसर सही आता है। ठीक है, आगे जाके यहाँ पे वो प्रूव हो जाएगा। 30 में डिवाइड अगर हम 3 करेंगे फिर से तो हमारा आंसर यहाँ पे 10 आएगा, राइट। तो क्या अब हमारा आंसर सही है? अगर हम इसमें फिर से डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारा आंसर राइट बिल्कुल 3.33 आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये जितने भी आज मैंने आपको केसेस कराए, आप जाके प्रॉपरली वीडियो देखेंगे, आप प्रॉपरली इन एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करेंगे।